डिजिटल मार्केटिंग में पैसे की तो बात होगी ही, अर्निंग तो आपकी बिल्ट होगी ही, लेकिन अर्निंग तभी बिल्ट होगी जब हम प्रॉपरली सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जा करके आप अर्निंग बिल्ट करिएगा। ना डिजिटली लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के अलग अलग लोगों तक पहुंचे, वो भी डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, है ना। देर आर सो मेनी मीडियम्स, सही, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, फेसबुक है, गूगल है, अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम को लेके कैसे पहुंचिएगा और कैसे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को दिखा करके सेल कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे तो यही है, इतना ही काम है हमारा ना। उसमें जैसे डिफरेंट चैनल्स हैं, वैसा ही एक इंपॉर्टेंट चैनल है व्हाट्सएप। अलग अलग चैनल्स हैं, हर चैनल को हम लोग सीखते हैं, उसमें से एक चैनल है व्हाट्सएप। इसका इस्तेमाल करके, और इनफैक्ट सिर्फ इसका इस्तेमाल करके भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अम्ब्रेला, एक बड़ा अम्ब्रेला जिसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, अलग अलग चैनल्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारे चैनल्स को सीखते हैं। जब आप फेसबुक सीखिएगा तो उसमें कैसे हम काम करें, कैसे कंटेंट डालें, कैसे इंगेज करें, कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे ऐड चलाएं, ये सब सीखिएगा। जब वेबसाइट सीखिएगा तो कैसे हम वेबसाइट बनाएं, कैसे हम फॉर्म डालें, कैसे, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। सो सिमिलरली व्हाट्सएप जो है ये एक हमारे लिए मार्केटिंग में बहुत बढ़िया चैनल है जिसके थ्रू आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। ना देखिए, बिजनेस अलग अलग टाइप के हैं। मेनली जो बिजनेस हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, और एक बी टू सी, है ना, बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर। सो दोनों ही केस में व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर आ गया आपके पास और उन्होंने बोला कि हमारी मार्केटिंग करो, तो पहला सवाल है कि वो मैन्युफैक्चरर करते क्या है, बनाते क्या है। तो आपको पता चला कि वो जो हैं वो कार की स्टेयरिंग बनाते हैं, कार की स्टेयरिंग बनाते हैं, कार भी नहीं बनाते, सिर्फ स्टेयरिंग बनाते हैं। तो उनका कस्टमर कौन हुआ? उनका कस्टमर इंडिविजुअल तो नहीं होगा, उनका कस्टमर होगा कार बनाने वाली कंपनियां, ठीक है। तो महिंद्रा जो है वो थोड़ी ना सब कुछ खुद ही बनाते हैं, महिंद्रा वाले टायर लेंगे अपोलो से, स्टेयरिंग लेंगे किसी एक्स कंपनी से, इनफैक्ट नट बोल्ट तक देने वाली कंपनी छोटी छोटी कंपनी होती है। नासिक की बहुत सारी कंपनियां हैं जो महिंद्रा की सप्लायर है, ठीक है, क्योंकि महिंद्रा का इगतपुरी में ही है और अब तो पुणे में भी हो गया। सो जो कंपनियों का कस्टमर भी एक बिजनेस ही हो उसको हम बी टू बी कहते हैं, और बी टू सी मतलब वो बिजनेस जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रहा हो। जैसे आप डीमार्ट में गए तो डीमार्ट में मैक्सिमम टाइम हम कंज्यूमर हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, डीमार्ट हमें बेच रहा है, दैट इज बी टू सी, है ना। लेकिन इंडिया मार्ट पे आपको कई सारे बी टू बी मिलेंगे, है ना, बी टू बी और बी टू सी। दोनों ही केस में कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप यूज होता है बहुत इफेक्टिवली। हम लोगों को बात करके इंगेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से हम इंगेज करते हैं। और व्हाट्सएप ने तो खैर इंडिया में बहुत बड़ा चेंज लाया है, है ना। व्हाट्सएप का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो इंडिया है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स उसके इंडिया में है। सो इंडियन मार्केट के लिए भी व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया उनका लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है।